मैं डॉक्टर गीता योगेश भट्ट, सेंटिनरी विजिटिंग फेलो, भारत अध्ययन केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप लोग के समक्ष आज का जो मेरा विषय है योग का तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इस उपलक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद। आज हम सभी लोगों ने योग दिवस को मनाया भी, 7 से 8 का जो प्रोटोकॉल जी की तरफ से, तो इस योग को केवल हमें जानना है कि योग के अनुसार बताया गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हम लोगों ने ऐसे व्याख्यान कहीं सुने भी होंगे। अब इस प्रकार से हम आज के आधुनिक जीवन में इस चित्त वृत्ति निरोध को कैसे जाने, कैसे समझे, जो हम आज साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, वो सारे हमारे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है। उन्होंने और स्थिर और उस आनंद शांति का अनुभव कर सके हमारे जीवन में। तो वृत्ति निरोध क्या है, अर्थात हमारे भीतर मन बुद्धि अहंकार इसको साम्य अवस्था में रखना। मन बहुत अधिक चलता है, मनमानी करने लगता है, तब भी हमारे जीवन में हमें दुख अनुभव होता है। बिल्कुल मन का ना चलना रोग है, चलना घातक है, और बिल्कुल ना चलना बुद्धि का, जिसे हम दब्बू कहा जाता है, डल कहा जाता है उस प्रकार से। फिर हमारा आता है थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस, पता नहीं यहाँ क्यों है जी। तो अभी चित्त वृत्तियों का निरोध, वृत्तियां जो हमारे ऊपर पड़ती है, देखेंगे कि शांति से बैठना चाहे तो बाहरी रूप से हम शांत दिखेंगे, लेकिन मानसिक रूप से काफी तनाव हमारे भीतर दिखाई देगा, काफी परेशानियां दिखाई देगी, बहुत सारे और वो ही जो है धीरे धीरे एक प्रकार से रोग का कारण बनता है। जितनी चिंताएं करते हैं, चिंताएं भी बहुत प्रकार के आज मानसिक रोगों से परिचित है हम लोग, जैसे आप कहेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन है जी। तो इस प्रकार से इनके सामने अवस्था हमें रोग से दूर करती है। योग का कारण, योग जो आज हम महत्व जिसका हम अपने आप से ही अलग हो गए हैं, हम अपने आप से अलग होने के कारण विपत्तियों से अपने आप को अनुभव करते हैं। जुड़ना ही योग है, ये हम सब जानते हैं। इस आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ना ही योग है, और जब ये जुड़ जाते हैं तो उसी से ही हम निरोगी काया को प्राप्त कर पाते हैं, निरोग मन को प्राप्त कर पाते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा, तो महर्षि पतंजलि ने ही बताया गया, इसमें यह हमारे योग, लेकिन पूर्णता आसन योग नहीं है। केवल आसन से हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिल जाए उसके लिए यह आवश्यक है हमारे जीवन में। थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष जरूर जानेंगे, क्योंकि बिना सैद्धांतिक जाने योग की जो अभ्यास क्रम को नियमित नहीं रखते, इस पे शोध और योग का सातवां अंग है, तो इसमें शोध भी कई लोग उनको नहीं लाभ नहीं प्राप्त होता है। कारण है कि उनके जीवन शैली, जिसको आज हम कहेंगे कि हमारे
गड़बड़ हो गई है, लेकिन विषाणु का वातावरण शुद्ध हो गया है, हम अपने जीवन शैली से जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, इसमें देर उठने का आदत होगी, देर से उठने तो कोशिश कर ली 5-6 बजे लोग, तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो यह नियम तो यही चीज है, में हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें? अहिंसा, सत्य, अस्तेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के प्रकार है। ये यम सुनने में तो देखिए सरल भी लगेगा, कठिन भी लगता है। अहिंसा, आप कहेंगे कि आज के समय में अहिंसा का पालन करना उतना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ आवर लाइफ इज वेरी, लेकिन पता नहीं यहाँ हम लोग रूम में है और यहाँ थोड़ा नेटवर्क पर कनेक्शन में दिक्कत है। ये परिस्थितियां है, परिस्थितियों में ही हमें उभरना है, यही योग है। चाहे कैसे भी परिस्थिति, हमें अपने को अचल रखना है, किसी प्रकार से हम को भटकना नहीं है। तो हम अपने जो भी कार्य है उसको, तो योग की हमें ये कोशिश करना है कि योग के अंगों को, जो अष्टांगिक मार्ग, एक साधन साधना मार्ग बताया गया है, साधन का मार्ग बताया गया है महर्षि पतंजलि के अनुसार, जिससे हम जी तो हम कह रहे थे कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो हमारे लिए साधना वाला मार्ग है। और ये साधना मार्ग, जैसे यम नियम की बात कही, अहिंसा, सत्य, अस्तेह, अस्तेह अर्थात किसी की भी चीज में हमें बिना पूछे नहीं लेना है। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के साथ, उस ईश्वर के साथ अपने को सदैव रखना है। अब ये आज का जो आधुनिक जीवन में जो युवा पीढ़ी है या फिर आज के हर वर्ग, बस ईश्वर की आराधना केवल कामना के लिए ही, इस कलयुग में, इस आधुनिक युग में केवल हम कामना के लिए ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। है कि हम निस्वार्थ भगवान के साथ जुड़े रहें, हर समय हर पल जुड़े रहें। जुड़े रहने से उनका साथ हमें निश्चित प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अस्तेय हो गया, उस शक्ति को, हमारी ऊर्जा, मार्ग कहा जाता है, ध्यान का मार्ग कहा जाता है योग में। तो ये सब है, हमें अपने इंद्रियों को अपने में करना, नाक, मुख। हमने गांधी जी का उदाहरण देखा है, गांधी जी कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें अपने इंद्रियों से जितना हम पॉजिटिविटी लेंगे उतना ही हमारे सिस्टम्स का निर्माण होगा उस प्रकार से, और जितना हम नेगेटिविटी में रहते हैं उतना ही हमारे भीतर वो रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये एक साइंटिफिक है हमारे निर्माण विचार आता है ना, कि आहार के बारे में भी कहा जाता है आहार शुद्धि। तो जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अंग वैसा मन, ये कहा गया है। तो ये भी पूरा साइंटिफिक है कि जिस प्रकार का आहार हम ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा जीवन में एक दूसरे से व्यवहार होगा। अगर हम अहिंसात्मक आहार को ग्रहण करते हैं तो हमारा व्यवहार भी अहिंसात्मक होता है। ये सारा प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, ये आज की बात थोड़ी, हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में लिख कर गए हैं और उन्हें जो कुछ लिखा है वो आज में बहुत उपयोगी है। आज इसीलिए एलोपैथिक दवाइयाँ भले इमरजेंसी के लिए हमें बहुत काम करती है, लेकिन अगर इसे हम रूटीन में खाने लगते हैं तो वो हमारे सिस्टम को डैमेज करने लगे। ये सब हम सबका अनुभव है, इसलिए तो हमको आज योग को अपना साधन बनाना पड़ रहा है। और योग हमारे जीवन, रोज नया कपड़ा पहनना होता है, रोज हमें ब्रश करना होता है, उसी प्रकार से रोज हमें योग के अंगों का अभ्यास करना है। यम नियम तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अस्तेय की बात हुई, ब्रह्मचर्य की बात हुई, सदैव ऊर्जावान रहना। सदैव ऊर्जावान रहेंगे तो हम नकारात्मकता से अपने आप को सदैव दूर रखेंगे। उसके बाद हमारा अपरिग्रह,
अपरिग्रह क्या है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी चीज को ही अपने संग्रह में करना है, अपने आवश्यकता के अनुसार ही अपने जीवन में रहना है, ज्यादा के लिए हमें सोचना नहीं है। तो जब सोचे, जब हमारी प्रवृत्ति में इस प्रकार की वृत्तियां आ जाएंगी, पॉजिटिव जिसे कहेंगे, सकारात्मक वृत्ति हमारे भीतर आने लगेंगी, तो कहाँ से हमारे मानसिक रोग रहेंगे और कहाँ से हमारे शारीरिक रोग। तो उसी प्रकार नियम, जब यम को हमें फाउंडेशन को मजबूत करना है तो नियम को भी अभी हमें जानना पड़ेगा, फिर उसे हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। नियम क्या है? शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। शौच क्या है? पवित्रता, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता, भीतर से भी पवित्र होना चाहिए व्यक्ति ने। आज हमने अपने पुराने, अभी जैसे रामायण महाभारत देखा, तो हमने क्या देखा, जो जितने गुणवान होते हैं उनके संकल्प जितने शुद्ध होते हैं उतना ही उनके कार्य भी सिद्ध होते हैं। और आंतरिक पवित्रता हमारे जीवन को सुंदर बनाने में बहुत सहायक होता है। तो ये चीज है, ये हो गया शौच में। बाहरी पवित्रता हम लोग करते ही हैं, जैसे सुबह स्नान करना, अपने हाथों की उंगलियों को साफ करना, बालों में तेल लगाना, विभिन्न प्रकार के जिप भी करना, तो ये सारे बाह्य पवित्रता है। वो हम जानते भी हैं और हम अपने जीवन में उसको उपयोग भी करते हैं। उसके बाद है हमारा शौच, फिर संतोष। संतोष फिर वही चीज है कि हमें, हमारे पास जो कुछ है उसमें हमें संतोष रखना। ये कि मेरे पास में 2000 मोबाइल खरीदने की क्षमता है, लेकिन मेरे दोस्त के पास 20,000 की मोबाइल है, और हम उस 20,000 की मोबाइल के लिए अपने आप को परेशान करें, तो वो ये कारण है। रोग कहाँ से उत्पत्ति होती है? जितनी हमारी इच्छाएं विराट होगी को संतुलित रखेंगे उतना ही हम निरोग होंगे, निरोग काया अनुभव करेंगे, अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे, सदैव उत्साह में अनुभव करेंगे। इसीलिए इच्छाओं को संतुलित रखना ही संतोष है। उसके बाद तपह, यानी जीवन में हमें कर्म भी करना है, तप भी करना है। शरीर है, शरीर को केवल ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हैं। अभी हम कुछ काम शरीर लिए, अगर हम केवल इंटेक करते रहे और किसी प्रकार का आहार लेते रहे और विहार ना करें, तो हमारे शरीर को धीरे धीरे उसमें रोग उत्पत्ति होती है। उसके साथ साथ स्वाध्याय, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए स्वाध्याय, यानी अच्छे अच्छे चीजों को स्वाध्याय करना भी आवश्यक है। चाहे वो हमारे ग्रंथ जैसे हनुमान चालीसा भी, छोटे छोटे बच्चों को हम हनुमान चालीसा से शुरू कर दे, उनको हनुमान जी का बल प्राप्त होगा। प्रयास करना है, छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ना है। तो उसके बाद हमको ईश्वर के प्रति कार्य करना है। ये आस्था, ये भावना की बात है। आज जीवन में हम जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं उसके कारण क्या है? हमारा, हमें दया भाव समाप्त जैसे हो जा रही है। हम अपने नवीन नवीन बच्चों के साथ भी हो रहा है, जब वो मोबाइल के साथ इतनी रुचि लेते हैं कि उन्हें अपने, अगर वो अच्छा भी कहते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। और बच्चों का क्या दोष है उसमें? माता पिता का भी तो दोष है। हमेशा मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे या चैट करते रहेंगे तो बच्चे, इसीलिए ये अच्छा और बुरे का परिचय भी हमें बच्चों को देना पड़ेगा, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए। तो हर वर्ग के लिए आवश्यक है कि हम जो भी साधन हमारे जीवन में है उसका उपयोग हम सही प्रयोग से कर सके, जितनी आवश्यकता उसके। तो जो जीवन में दुख है, शास्त्रों में बताया गया 3 प्रकार के ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। अब इसको हम थोड़ा जानेंगे कि आध्यात्मिक दुख क्या है। बहुत आध्यात्मिक दुख क्या है? जो अपने प्राप्त होने वाले, अपने अज्ञानता से, अपनी मूर्खता से जो हम कार्य कर लेते उससे जो दुख प्राप्त होता
आदि दुख आ जाता है। फिर उसके बाद है आदि दैविक, जो बाढ़ भूकंप जो प्राकृतिक और ये महामारी इस समय जो चल रहा है दुख है। ये किस वजह से आते हैं? कहते हैं अपने जीवन शैली से, अपने आहार से, अपने विचारों से, अपने कर्म से। तो प्रकृति रुष्ट हो जाती है और उस वजह से हमें प्रकृति को फिर कोई ना कोई दंड किसी ना किसी प्रकार से, और फिर हम उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति की आंख खुलती है, नहीं अभी हम ऐसे जीवन जीना है जिससे हम स्वस्थ रह सके। तो ये प्रकृति को, प्रकृति माता का रोज प्रार्थना करने से और उनके अनुसार हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जीने से हम उनको अपने अनुकूल बना लेते हैं। और अनुकूल बनने से फिर हम इस प्रकार की जो विपदा है, भी बहुत बड़ी विपदा आ रही है, आए दिन धरती हिल रही है, तो ये सब क्या है? हम सबको मिलकर उस परमपिता परमात्मा से, प्रकृति से प्रार्थना करना है कि हमारा बचाव आवश्यक है। इस प्रकार की अच्छा करना आवश्यक। हमारा अधिभौतिक दुख आता है जो हमें जैसे द्वारा जो हमको दुख प्राप्त होता है वो में हमें अनुभव होता है। और इन तीन प्रकार के लिए वेद में भी, यजुर्वेद में भी बताया गया है कि भुज्जिन्ता अर्थात कि त्याग पूर्वक हमको भोग करने से सुख की प्राप्ति होती है। आप ये कहेंगे त्याग पूर्वक अर्थात क्या? कोई भी चीज की हम बहुत अधिक इच्छा ना करें, साथ साथ हम उस मर्यादा को पालन करें। हम जो भी हमारा रोल है, माता है चाहे हम बहू है, चाहे हम बेटा है चाहे हम बेटी हो, चाहे जो भी संबंध हो, संबंध का हम व्यवस्थित करते हुए पालन करें और हम दूसरों को सुख योग कोई हाथ पैर हिलाने वाला योग नहीं है। एक प्रकार का हमारा कि आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर के तंत्रों को, ये आज क्यों करना पड़ रहा है आपको पता है? शारीरिक श्रम करना छोड़ दिया है। पहले क्या करते थे हम? खूब कपड़े पीछे आटा चक्की नहीं थी या कोई ऐसा साधन नहीं था, पोछा लगाते थे, दाई वगैरह नहीं रखते, बैठ के बर्तन मांजते थे, बैठ के भोजन बनाते थे। तो ये सारे शरीर के मांसपेशियों का क्या होता था? मसाज हो जाता था, एक्सरसाइज हो जाती थी। तो हमें अलग से कोई शारीरिक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। करना पड़ रहा है क्योंकि हम जितना आहार प्रकार से अपने शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं, और शारीरिक श्रम नहीं करने से तौर पे देखेंगे कोई चीज, मोबाइल है, मोबाइल एक हमारे घर में कई दिनों से पड़ी है, हमने वो पड़े पड़े कह चीजें 1 महीना 6 महीना हो गया। अब उसे हाथ हाथ नहीं लगाएंगे तो उसमें धूल पड़ी जाएगी कि नहीं? तो इसी प्रकार से जो हमारे दुख है हमारे जीवन में, उसको दूर करने के लिए शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। इससे हम अपने शरीर के आंतरिक जो भी तंत्र है उसको सक्रिय बनाते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। तो आज हम अभी सैद्धांतिक पक्ष हमने कुछ चर्चा में आपके समक्ष रखे, साथ साथ अब थोड़ा सा हम प्रायोगिक पक्ष की ओर भी आगे बढ़ते हैं कि आसनों को हम कर ही रहे हैं। जो भी आसन करें, आसन अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आसन को करना। आसन को और आसन और व्यायाम में बहुत ही भिन्नता है। व्यायाम में हम श्वासों को नहीं देखते हैं, बस हाथ पैर चलाते हैं।
और आसन में हम श्वासों को देखते हैं स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक। जब भी हम कोई भी अभ्यास करते, जैसे अभी गर्दन वाला भी अभ्यास करेंगे, तो हम क्या करेंगे? पहले हम श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये नहीं कि बस हम ऐसे ऊपर कर दिए, फिर नीचे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, नहीं। श्वास के साथ जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमें उसका सुंदर लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर और मन का संतुलन बैठता है। शरीर और मन का संतुलन बैठने से क्या होता है? हम आज जो समस्या देखते हैं कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ भी, हमारी हर समय कक्षाएं चलती हैं और उनकी बातें हमें, समस्या सुनने मिलती है, तो वो कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाई करें, दो दो तीन तीन घंटा हो जाता है बुक लिए हुए, लेकिन हमारा मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता है। 4 घंटा बीत जाता है और हमें एक पेज भी याद नहीं होता है। तो एकाग्रता के अभाव रहता है। एकाग्रता के अभाव का कारण क्या है? हमारा शरीर और मन का संतुलन नहीं है। तो शरीर और मन का संतुलन बैठाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग अभ्यास यानी आसन को हम श्वासों के साथ जब करते हैं, आपको हम बताएं विद इन 1 वीक आपको आपके मानसिक जो रूपांतर है आपको अनुभव होने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर मेंटल थॉट्स आपको अनुभव होने लग जाएगा विद इन 1 वीक अगर प्रॉपरली हम अभ्यास कर लेते हैं। श्वासों के साथ कोई भी अभ्यास, हम ताड़ासन करें तो श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, ये बैठ के ही अगर हम इस प्रकार से अपने शरीर को खींचते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास के साथ जो भी प्रयोग करें आप, केवल जैसे हाथों की क्रिया ही करते हैं, तो इसको भी श्वास के साथ, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, कोई भी क्रिया, फिर ये भी करें, हमको लगता है कि हम केवल हाथ हिला रहे हैं, हम शोल्डर हिला रहे हैं, नहीं, इसे भी करें तो श्वास के साथ, जैसे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। आप करके देखिए, आपको अभी अभ्यास में आपको आपके विचारों में परिवर्तन आने लग जाएगा। और जब ये विचारों का जो परिवर्तन है और शरीर जब स्वस्थ हो जाता है आसन के माध्यम से, तो प्राणायाम कहा ही जाता है कि तस्मिन सति योगर गति विच्छेद प्राणायाम। जिस प्रकार से हमने आसन किया है, आसन में हमने श्वास का लेना छोड़ने की प्रक्रिया की है, और जब हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं तो शरीर हमारा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आसन में ध्यानात्मक आसन का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आप कोई भी बैठने वाले अभ्यास का चयन कर ले। वज्रासन है, दोनों पैरों को पीछे रख के इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी। तो ये वज्रासन है, ये इतना अच्छा अभ्यास है कि इसे हम भोजन के बाद करने से, देखिए एक सरल अभ्यास है, देखने में तो सरल लग रहा है लेकिन कई लोग इसको नहीं कर पाते हैं। इसमें 1 सेकंड बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और इसका इतना अच्छा अनुभव है कि हम 5 से 10 मिनट 15 मिनट भोजन के बाद बैठ जाए तो हमारे टहलने भर का इसका लाभ मिल जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। हमारे जो पाचन तंत्र के अंदर का जो भाग है आंतों को सक्रिय बनाता है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है रात के समय विशेषकर, कि दिन में तो हम टहल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, रात में तो भोजन के सोचे। देखिए योग में जो यम और नियम की चर्चा की, उसके साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। सुबह हम कितने बजे उठे और उसके लिए रात्रिचर्या, रात के समय हमारा कैसा रहे, ये बहुत आवश्यक है। ये सारे नियम जो है हमको योगाभ्यास में भी एक दृढ़ता लाने के लिए बहुत मजबूत होता है। नहीं तो क्या होता है कि हमें थोड़े दिन हमें उत्साह आया, हमने 4 दिन किया, उसके बाद हमारा योगाभ्यास छूट जाता है, हम उसमें निरंतरता नहीं आ पाती है। तो उसका कारण क्या होता है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। हमने उसको जीवन में उसके जो एक उचित मार्ग है उस पर हम नहीं चल पा रहे, तो 2 दिन हम अभ्यास करते फिर हमारा छूट जाता है, फिर हमारा कहीं दर्द होता है, हमें समझ में आता है कि हमें इन दवाइयों से लाभ नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर अब कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये अभ्यास करिए, तब हम कुछ दिन और अभ्यास करते हैं।
तो इसके लिए आवश्यक है कि हम निरंतर उसको नियमित बनाने के लिए हमारी जीवन शैली भी व्यवस्थित हो। तो रात्रिचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए? रात्रिचर्या हम कम से कम 7 से 8 बजे तक भोजन कर लें। अब इसमें भी हमने कई लोगों को पाया है कि वो 5, 6, 7 बजे तक तो वो शाम का जलपान करते हैं, ऐसा हमने कई लोगों से सुना है। अब वो जलपान करेंगे तो कहाँ से आपको 8 बजे भूख लगेगी? फिर वो 9, 10, 11 बजे तक भोजन करते हैं। आप सोचिए 10, 11 बजे तक आप भोजन करेंगे तो सोएंगे कितने बजे? क्योंकि सोने का नियम है कम से कम 2 घंटे पहले हम भोजन के और सोने में अंतराल रखें। तो अगर आप 11 बजे सोएंगे तो इसलिए आज 1, 2 बजे लोग सोते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो सुबह 4 बजे सोती है, जिस समय हमें जगने का होता है, और उसका कितना घातक परिणाम उनके शरीर में, मन में, वो कोई कार्य को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो ये जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के संतुलन के लिए, इसको व्यवस्थित रखना है। तो ये इसका बस यही है कि रात को हम भोजन करने से 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाए, और इसके लिए भोजन का समय 7 से 8 हो, और इसके लिए हमें 4 से 5 के बीच में हल्का सा, जैसे आजकल आयुष काढ़ा है, हम सभी उसका सेवन करें। चाय कोशिश करें कि 9 के बराबर ले। ये चाय में तो हम सब जानते तो है टॉक्सिन्स है, निकोटिन नाम का टॉक्सिन है, जहर है, जो हमारे लिए शरीर के निर्माण के लिए बहुत घातक है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हमारे सिरदर्द में या हमको सुबह के लिए मोशन आने के लिए चाय बहुत फायदा करता है, बिना चाय के हम मोशन नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाय हम ऐसे बहुत अच्छे नियमों को पाल सकते हैं और गलत चीजों को हम अपने जीवन से उतार सकते हैं। हम कहेंगे कि हमें ये रोग है और लेकिन हम गलत आहार विहार कर रहे हैं, तो कैसे हम रोग को, फिर हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चलता है कि ये चीज गलत है। ये भी हमने देखा है। आपको एक उदाहरण बताते हैं। हमारे पास एक विद्यार्थी था, वो बताया कि हमें जो जमीन वाला पानी, जो शुद्ध पानी होता है, उससे नुकसान होता है, आरओ वाला पानी जो है हमें फायदा करता है। ठीक है, एक तर्क हम समझ में आए, जमीन वाला पानी नुकसान होता है। अब उसको क्या नुकसान होता है ये पूछा गया, तो बताया गया कि हमें कमर में दर्द और ये सब होता है। ठीक है, तो फिर हमने पूछा कि चलो बता बताओ क्या, बताइए कि आप अपने स्व के साथ कोई हिंसा करते हो, अपने शरीर के साथ? जैसे हमने यम में ये हिंसा वाली बात कही, हिंसा केवल दूसरों के लिए नहीं होती है, अपने साथ अपने लिए भी हिंसा होती है। क्या होती है? तो उस बच्चे ने वो बात को तर्क समझा कि हिंसा किस प्रकार की, कि जैसे स्मोकिंग करना। आज युवा पीढ़ी, बहुत हमारे बच्चे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, हमने देखा कई लोग बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं चलता है, एक नशा हो जाती है, सही है गलत है। और वो जब हमारे तंत्र भीतर जाता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है? हमारे तंत्र डैमेज हो जाते हैं, भीतर से हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। अब हम कहे आज जितने भी कोरोना से मौतें हुई हैं उसका, और हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, उसका कारण है कि हमारी जीवन शैली जो है वो हमने कहीं ना कहीं बिगाड़ रखी है, खान पान हमने बिगाड़ रखा है, और उसके कारण हमें कई प्रकार के शारीरिक समस्या भी हो रही है। तो है तो ये महाविषाणु आर्टिफिशियल है, इस समय किस प्रकार का षड्यंत्र हमारे देश में रचा गया है, पूरे देश में। लेकिन हमें ये अध्यात्म जो विद्या है, ये योग और आयुर्वेद की विद्या है, ये निश्चित हमें इस चीज को बचाती है। ये स्वस्थ जीवन शैली, ये निश्चित हमें इस चीज से बचाव रखती है। तो हम सब उसको अपना भी रहे हैं, कई लोग ऐसे आए दिन सुनाई भी दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि आज हमारे समय ही ऐसा हो गया, भौतिक समय इतना बढ़ गया है कि हम अच्छी आदत लाने में वो कभी कभी हमें नुकसान भी कर लेती है। तो यही सब चीजें हैं। तो हम चाय की जैसे बात की, तो कोशिश करना चाहिए कि अभी आयुष काढ़ा की जो प्रचलन में चल रहा है और जो हमको कोरोना से बचाव भी करता है, इसको हम आदत बना दें हमारे जीवन में रोज, कि हम रोज इसका सेवन करें। और केवल इस कोरोना महामारी के लिए नहीं, हमारे कोई भी रोग के लिए। आज आप देखिए, इस कोरोना की वजह से हमें खांसी सर्दी बुखार की समस्या दूर दूर तक नहीं सुनाई देती है। एक समय था हमारे पड़ोसी या हमारे घर में ही खांसते रह जाते थे। तो ये कोरोना का बहुत अच्छा प्रभाव भी हमको दिखाई दिया है। हमारे शुद्धिकरण, वातावरण शुद्ध हो गया है, पोल्यूशन कम हो गई है, तो बहुत सारे फायदे भी हो गए हैं।
लेकिन जो भी चीज हमने इस महाविषाणु के लिए अपना, ऐसा नहीं कि इसी समय तक, इसको हमें निरंतर बरकरार रखना है। इस आदत को बनाए रखिए, ये आदत हमारी बन गई है, हमें इसको लंबे समय तक बना रखना है, और जिससे हम इस जीवन में रहते रहते उस सुख को अनुभव कर सके, और हमारा शरीर छूटता है तब भी हम उसको आसानी से छोड़ सके। तो जो हमने योगाभ्यास की बात कही, आसन की बात कही, तो उसको स्थिरता पूर्वक करना है। जितना स्थिरता पूर्वक करेंगे उतना ही हमारा प्राणायाम अच्छा होगा, और प्राणायाम हर रोगों के लिए लाभदायक है, हर समय के लिए लाभदायक है। और जितना सुंदर हमारा प्राणायाम होगा, प्राणायाम में भी जैसे अनुलोम विलोम की बात करते हैं, तो कई लोग हैं कि अनुलोम विलोम को कैसे किया जाता है, ये प्राण मुद्रा, अंगूठे की बगल की दो उंगली और उसके बगल की दो उंगलियों को सीधा रखना है, इसको आपको सुला देना है, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। और इसी को हमें हमेशा दाया नासिका से बंद करते हुए बाया से ही प्रारंभ करना है, ये ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम की क्रिया बाया से लेते हुए फिर दाया से धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। अब इस अनुलोम विलोम की क्रिया को फिर दाया से लेना, फिर बाया से छोड़ना, इस प्रकार से एक राउंड पूरा हुआ। और इसको करते समय कोई भी शरीर का अंग नहीं हिलता है, ये नहीं कि लेते समय आप गर्दन को ऊपर करें, छोड़ते समय आप नीचे करें, नहीं, इसको स्थिरता पूर्वक, गर्दन हमारी सीधी है, जितनी स्थिरता रहेगी, शुरू शुरू में हमें परेशानी होगी करने में, लेकिन धीरे धीरे जब इसका लाभ हमें मिलेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, मानसिक रोगों के लिए तो रामबाण है, साथ साथ शारीरिक रोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे हमारे कई संस्थाएं इस पर शोध कर चुकी है, मात्र अनुलोम विलोम से, कपालभाति से हमने विभिन्न प्रकार के रोगों को, केवल सुनना नहीं है इसको, अब हमें आज के समय में आवश्यकता है प्रयोग करना, क्योंकि ज्ञान हमें बहुत प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, ज्ञान की कमी नहीं है। चाहे वो आज बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारे बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो हमको बहुत इस प्रकार का ज्ञान दे रही है। आज आवश्यकता है इस ज्ञान का हमारे जीवन में प्रयोग करना और उसका अनुभव करना। विज्ञान क्या है? अनुभव, हमारे भीतर अनुभूति करना। और अनुभूति क्या है? हम उसको पाएंगे कि हमारे रोग दूर होते जा रहे हैं और हम स्वस्थ होते जा रहे हैं। और इसको दार्शनिक रूप से देखेंगे तो हमारे पाप जो है वो जीवन से घटता जा रहा है, पुण्य हमारा उदित होता जा रहा है, और जो हमारा अगला जन्म होता है वो किस प्रकार से होता है? पाप और पुण्य का खाता, हमारे कर्मों का खाता से। योग हमारे दार्शनिक से भी जोड़ता है, विज्ञान से भी जोड़ता है, हमारे चिकित्सा भी जोड़ता है। योग सार्वभौम है, केवल उसको हम एक दृष्टि से नहीं देख सकते। इसीलिए अगर हम चिकित्सा की भी बात करेंगे तो चिकित्सा भी बिना दार्शनिक ज्ञान से और उसके प्रयोग से पूर्ण नहीं होगी। केवल हम कहें कि हमें कमर में दर्द है और हम भुजंग आसन करें, भुजंग आसन निश्चित ही कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन भुजंग आसन के साथ साथ हमारे यम और नियम का भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, कि हमारा रात का आहार हल्का होना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए, कम से कम 8 बजे तक हम आहार ले लें, 9:30 से 10 बजे तक हम निद्रा में चले जाएं, और 4 बजे तक, 4 से 5 बजे मैक्सिमम, गर्मी है, सूर्य भगवान जी आ जाते हैं हमारे बनारस में तो 5:15 बजे तक तो दिखाई देने लगते हैं, तो तब तक हम उठ जाएं। उसके बाद अपना जो सुबह की शुद्धिकरण कर ले, स्नान आदि कर ले, क्योंकि कोई भी अभ्यास करने से पहले जरूरी है शुद्धिकरण, बाहरी शौच, आंतरिक शौच, आंतरिक शौच के लिए बाहरी शौच भी आवश्यक है। तो बाहरी शौच में गर्मी है, पसीना है, अगर उसी गर्मी वाली अवस्था में अगर अभ्यास करते हैं तो कीटाणु हमने बाहर नहीं निकाला तो कैसे हमें लाभ प्राप्त होगा? ये हमने हमारे एक विद्यार्थी से भी सुना है कि पहले वो बिना स्नान के अभ्यास करता था। देखिए, सारा प्रायोगिक और पूरा वैज्ञानिक पक्ष हम आपके समक्ष रख रहे हैं, तो उसको वो अनुभव नहीं हो रहा था, उतनी खुशी नहीं, इतनी फुर्ती नहीं अनुभव हो रही थी दिन भर। वही जब वो हमसे चर्चा लाइक किया कि मैडम हम इस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इतने वर्षों से कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद भी हमको उस प्रकार की प्राप्ति नहीं होती, तो हमने उसको बताया बताओ तुम कैसे करते हो, तो जाना, तो हमने उसे ये बताया बेटा
आप स्नान के बाद इसका अभ्यास करो, देखो फिर इसका लाभ। एक हफ्ते बाद वो आया कि देखिए मैम मुझे काफी परिवर्तन आ गया। तो ये सब प्रायोगिक है, कोई इसीलिए ये शुरू शुरू में हमको कठिन लगता है क्योंकि हमने आदत डाली नहीं है। हम सोचते हैं कि उठे 10 बजे तक स्नान करें, सब कुछ खा पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम स्नान करते हैं। तो ये भोजन पेट में जाने के बाद स्नान करना भी अच्छा नहीं है। गर्म भोजन डाला उसके ऊपर हम स्नान करते हैं, वो हमको नुकसान करता है शारीरिक तौर से भी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन से पहले स्नान किया जाए, उसके बाद भोजन लिया जाए वो ज्यादा अच्छा, चाहे जलपान। तो हमने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो 10-10, 11-11 बजे तक भोजन वोजन कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आराम से स्नान करने जाते हैं। तो सारी गतिविधियां जो हम लोगों ने बिगाड़ रखी उसी वजह से हमको समस्याएं हैं। बस हमको व्यवस्थित जीवन में अच्छे आचरण, अच्छी जीवन शैली को अपनाना है और प्राणायाम के साथ, हमने जैसे आपके साथ अनुलोम विलोम चर्चा की, तो अनुलोम विलोम लाभ बहुत देता है उसके लिए। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हमारी दिन भर की चर्या कैसी हो। रात को आज बहुत सारे लोगों को इंसोमनिया वाली प्रॉब्लम है, अनिद्रा वाली प्रॉब्लम है। वो क्यों है? अनिद्रा का कारण हमने दिन भर में क्या से कचरा हमारे माथे पे रखा है। ये बहुत आवश्यक है कि जैसे हम सोने चाहते हैं वो कचरा हमारे दिमाग में रिपीट होने लगता है, रिकॉल होने लगता है, और उसी के कारण क्या होता है, फिर हम और सक्रिय होने लगते हैं। हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो और सक्रिय होने लगता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम ही क्यों ना हो, और फिर हमारी नींद जो है वो गायब हो जाती है। और कई वर्षों तक कई लोगों को नींद नहीं आती है और उसके वजह से कई शारीरिक समस्याएं, चाहे वो पेट का रोग हो, चाहे वो सिर दर्द का रोग हो, चाहे वो सर्दी कफ हो, चाहे वो शरीर में पीड़ा हो, ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं केवल एक अनिद्रा से। कि अनिद्रा के कारण क्या होता है, जो एक सोने का समय है हमारा 10 से 4-5 उससे ज्यादा नहीं, और वो समय हम जगने में लगा देंगे तो बताइए कैसे हमारे आगे का चलेगा जीवन, आगे की दिनचर्या कैसे चलेगी। तो इसी प्रकार से उसको हमें व्यवस्थित रखना है। तो आज ये समय जो आया है, जो भी ज्ञान हमें सब जगह से मिल रहा है उसको प्रयोग में लाना है, उसको अनुभव करना है और उससे हमें अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ये अनुलोम विलोम हुआ, उसके साथ साथ हम अभी प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को अपना वश में करना। इंद्रिय अपने वश में होने लग जाती है जब हम यम नियम आसन और प्राणायाम, ये हमारे क्या है, बहिरंग साधन है, और अंतरंग साधन से पहले आता है प्रत्याहार। तो इंद्रियां हमारी वश में होने लगती है, हमें करना नहीं पड़ता है, हमें आंखों को बोलना नहीं पड़ता है कि आप ये दृश्य ना देखें। जब हमें ज्ञान होने लगता है तो हम इस प्रकार के दृश्य को नहीं देखते हैं, वो हमारा डायवर्जन हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारी आंखों को देखने का, कान से सुनने का, मुख से बोलने का, जीभ से जो रसना हम लेते हैं उसको हम कैसे ग्रहण करें जो मेरे स्वास्थ्यवर्धक हो। आहार भी उम्र के हिसाब से आहार का ग्रहण होना चाहिए। पानी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। अब पानी पीने का तरीका भी बहुत जरूरी है। अब भोजन के बाद लोग 1-1, 2-2 लीटर पानी पी लेते हैं, वो हमारे पाचन को अस्त व्यस्त बना देता है। तो पानी भी सुबह हम जरूर पिए शौच जाने से पहले, भोजन के आधे घंटे बाद पानी पिए। भोजन से जरूरत है, भोजन के समय प्यास लग रही है तो भोजन पानी पी लीजिए और आधे घंटे बाद भोजन करें जब आपको भूख को लगे। इसमें भी स्वर विद्या की बात है, अब ये सारे बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन हम कोशिश करें थोड़े थोड़े नियमों को पालन करते जाएं। रात का सोना, सुबह का जगना और व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करें, कुछ प्रार्थनाओं को अपने जीवन में शामिल करें, तो ध्यान की क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल करें। तो इसी प्रकार से तो हम थोड़ा सा ये चर्चा के बाद थोड़ा सा हम प्रायोगिक पे आएंगे। तो प्रायोगिक में शाम का समय है तो हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों ने हो सकता है 2-3 बजे आहार ग्रहण किया हो, तो हम ज़्यादा नहीं तो हाथों का ये जो है थोड़े थोड़े प्रयोग कर सकते हैं। तो श्वास लेते हुए हम हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 5 बार, 5 बार हम क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में। तो सभी लोग जिस स्थान में कमर गर्दन सीधी करके बैठे रहेंगे तो श्वास लेते हुए शुरू करेंगे।
छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए आगे, पांच बार हमने कर लिया क्लॉकवाइज, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज, पीछे श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, 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 इस प्रकार से हमने कर लिया। फिर हम छोटे छोटे अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी हमें पेट को बहुत दबाव नहीं देना है। तो बटरफ्लाई हम सब जानते ही हैं, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे आप 10 से 15 मिनट इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को तो बहुत मजबूत बनाता है, हमारे पैरों के और हमारे हाथों के जो मसल्स हैं उसको भी मजबूत बनाता है। ये बहुत सुंदर अभ्यास है और दिखने में सरल लगता है, लेकिन हमने कई तरह के देखा है, शुरू शुरू में हम करेंगे तो हमारे पैर जो है बहुत टाइट, ये सब जकड़ा हुआ, इसे नियमित अभ्यास करते करते ये धीरे धीरे जमीन तक छूने लगता है। और ये हमारे पूरे शरीर को देखिए, हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, हम 5-6 अभ्यास को चयन कर लें अपने शरीर के अनुसार और उसको नियमित समय देकर करें। अब यही अभ्यास है, इसको हम लोग कम से कम शुरू करें 5 मिनट से, 1 मिनट 2 मिनट जितनी अपनी क्षमता है, धीरे धीरे से 5 मिनट तक ले जाए, फिर धीरे धीरे से 10 मिनट 15 मिनट तक ले जाए। देखिए आपको इसका बहुत सुंदर लाभ मिल जाएगा। आप 50 अभ्यास कर ले उसका उतना लाभ नहीं मिल जाएगा, केवल ये 15 मिनट करने से आपको उतना लाभ मिल जाएगा। करके देखिए, अनुभव करके देखिए, हमको चयन करना है अभ्यासों का और उसको नियमित करना है, समय देकर करना है। सुबह जल्दी उठना है, रात को समय से सोना है, रात का आहार हमारा हल्का हो इसका हमको पूर्णतः ध्यान देना है, और ये सारे नियम जो है हमें स्वस्थ रखने के लिए है। और हम अपने आप को एलोपैथिक दवाइयों से और डॉक्टरों से दूर होता हुआ पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये एक बटरफ्लाई है जिसे हम तितली आसन भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे यहाँ पे सुप्त पद्मासन भी होता है, लेकिन अभी आज हमारे इनिशियल स्टेज में हम कर रहे हैं, हम सबकी अवस्था देखनी है किस प्रकार के दर्शक हैं तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो इसी अभ्यास से हम अगर इसको 15 मिनट तक नियमित करते हैं, और इसके साथ उज्जायी प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, जी लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, उज्जायी प्राणायाम, घर्षण करते हुए गले को, जीभ को दांत के तालू में दबाते हुए और गले से श्वास लेते भरते हुए, फिर दोनों नासिका से श्वास छोड़ते हैं। फिर श्वास भरेंगे, हम 5 राउंड उज्जायी प्राणायाम भी कर लेंगे। इस प्रकार से हमने उज्जायी प्राणायाम कर लिया। तो हमने अभी आपके समक्ष अनुलोम विलोम रखा, हाथों को स्कंध चालन शोल्डर मूवमेंट रखा, बटरफ्लाई रखा और उज्जायी प्राणायाम रखा, ये 4 अभ्यास आपके समक्ष रखा। इस 4 अभ्यास को भी आप नियमित 10 से 15 मिनट करते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, हमारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दृष्टि मिलने के लिए एक अच्छा माध्यम मिलेगा। अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में ज्ञान मुद्रा, ये बहुत ही प्रचलन में है, वैसे बहुत प्रकार के मुद्राएं हैं, हमारे शास्त्रों में बताए भी गए हैं, तो हम ये केवल एक मुद्रा को सीखे, ये अंगूठा और ये तर्जनी दोनों उंगली के अग्रभाग को छुएंगे, बाकी 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी, इसे आराम से घुटने के पास स्थापित करेंगे। अब हम भ्रामरी भी शंख मुद्रा के साथ भी किया जाता है, लेकिन हम वो ना करते हुए केवल सामान्य अवस्था में करेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए ओम ध्वनि के साथ आज करेंगे, और अंत में हम भ्रामरी करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे 3 बार, ओ Oh.
इस प्रकार से हमने ओम ध्वनि कर लिया है। अभी हमने जो भी योग की चर्चा की वो एक प्रकार से हमारा योग से जुड़ना ही हो गया है। हम अपने आप को उस परम शक्ति के साथ जोड़ता हुआ अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमने जो भी समय हमें प्राप्त हुआ है उस समय का हमें सदुपयोग करना ही एक अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। समय का प्रबंधन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो इस समय के सम्मान करते हुए हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के साथ हम उस ऊर्जा को प्रयोग करेंगे। देखिए, आप लोग कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रहेगी। हम आंख नहीं बंद कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क की समस्या है, तो हमें आंख खोलनी पड़ेगी। आप लोग आंख बंद करके उस शिथिलता का, उस शक्ति का अपने भीतर अनुभव करते हुए अनुभव करें कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसे हम एक साक्षी भाव से अपने भीतर देखेंगे। हमारे इस जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ज्ञान पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करना। और उस सदुपयोग के साथ हम ध्यान के अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान का लक्ष्य होता है, अगर आप संभव है मेरे साथ दोहराएं, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। इस क्षण का ध्यान का अभ्यास मुझे पूरे 24 घंटे इसका लाभ देगा। मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें मेरा मन पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक होकर कार्य करेगी। ऐसा हमको अनुभव होगा ध्यान का संकल्प कि मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इसी के साथ अनुभव करें मेरा पूरा शरीर जो थका हुआ था, एक एक शरीर का अंग, दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरा दाहिना पैर, पूरा बायां पैर, पूरा पीठ का भाग, उसके भीतरी भाग, आगे से पीछे दाएं बाएं भीतर भाग, पूरा छाती का भाग, दोनों हाथों पर, दोनों कानों पर, पूरे कंठ पर, पूरे मुखमंडल पर, सिर के चोटी तक एक एक भाग मेरा शिथिल होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है, हो गया है। और मेरे शरीर में एक नवीन ऊर्जा की अनुभूति मुझे होती जा रही है। आज जितनी भी शारीरिक मानसिक समस्या हमारे जीवन में हम लोगों के साथ है उसका कारण है ऊर्जा का या तो हास होना या बिल्कुल ना होना। तो हम इन अभ्यासों के माध्यम से अपने भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करते हैं। और उसी के साथ साथ हम उस प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथों को ले आते हैं। मेरे पीछे संभव है तो साथ में हमने जो उस ओम तत्व के साथ अपने को जोड़ा प्रारंभिक रूप में उसको इस गीत के माध्यम से अनुभव करेंगे। ब्रुकुटी महले चढ़े
जागे ज्योति अपाराओं, सोहम जपते जपते पहुँचो दश में द्वाराओं, मेरु दंड में बंक नाले है उल्टी गंगे मेरुदंड अर्थात हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो जितना सीधा रहता है उतना ही हमारे तंत्र में उसका हमें एकाग्रता की अनुभूति होती है। उसी गंग में सुन लो प्यारी, जो कोई घुस कर जावे ओ, प्रणव यानी से ऊंचा चढ़े कर सुखमनि गढ़ में जावे ओ, तने का भान भुला के वहां से सोहम गावे ओ। जब हमें उस परम सत्ता के साथ जुड़ना होता है तो इस तन से अपने आप को दूर करना एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तब हमें इस तन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो विचार चलते हैं नकारात्मक उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। केवल अगर हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई कथा करते हैं, तो उसमें हम लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं श्रद्धा पूर्वक। तो यही अवस्था हमें प्रार्थना की मुद्रा में भी ले जाना है। वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओ, तने का भान भुला के वहां से सोहम गावे ओ, अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओ, शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदियो, निजानंद आनंदियो। ओ तीन बार भ्रामरी करेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उसकी ऊर्जा को आंखों में चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस सत्र को हम विराम देंगे। तो हमने इस सत्र में कुछ सैद्धांतिक पक्ष, कुछ प्रायोगिक पक्ष में अनुलोम विलोम हुआ, उच्चाई प्राणायाम हुआ, ज्ञान मुद्रा की चर्चा की, तितली आसन की चर्चा की, वज्रासन की चर्चा की। बस हम कुछ अभ्यासों को हमारे जीवन में निरंतर नियमितता के साथ स्वस्थ जीवन शैली के साथ नियमित अभ्यास करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम सदैव स्वस्थ रहें, उत्साह में रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी दर्शकों का इस डिसकनेक्टिविटी के जो भी बाध्यता है उसके साथ भी आप लोग बने रहे,
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सोमो जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सत्र को यही विराम देते हुए नमस्कार।